आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हां श्रोताओं, इस समय पूरा देश जब कोरोना महामारी की जंग को लड़ रहा है और हम सभी देशवासी अपनी हिम्मत, हौसले, जज्बे, सावधानियां और जागरूकता के सहारे इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, हमारे मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं। ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसलिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर ये विशेष कार्यक्रम, जो आपको देता है कोरोना से जुड़ी वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन। आपका इन्फेक्शियस डिजीज और बिहेवियर मेडिसिन में विशेष अनुभव है। डॉ पीयूष, हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत सिद्धार्थ जी, मैं आपके माध्यम से रेडियो के तमाम सुनने वालों का स्वागत करता हूं, उन सबों को नमस्कार करता हूं। डॉक्टर पीयूष, अगर हम देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखें तो कोरोना से संक्रमित लोगों की तुलना में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या करीब 16 लाख अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कोविड संक्रमण के मामले घटकर 23.24% रह गए हैं और मृत्युदर के बारे में भी ये दुनिया के अन्य देशों की तुलना में घटकर 1.86% रह गई है। हालांकि वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 69,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से संक्रमितों की कुल संख्या 30 लाख को पार कर गई है। आप जो मौजूदा स्थिति है वो उसे कैसे देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, मौजूदा स्थिति में दो तीन मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहले यह कि हमारा देश एक विशाल देश है, यहां की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए कभी न कभी अन्य देशों की तुलना में हर दिन जो नए केस जो कि हम डिटेक्ट करते हैं उसकी संख्या जरूर ज्यादा होनी है। यह लाजिमी है क्योंकि हम धीरे धीरे नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो हम बढ़ाते रह रहे हैं, उसकी संख्या हम बदस्तूर जो धीरे धीरे बढ़ाते रह रहे हैं जी। अब जो इसके पहले जो आपने प्रथम भाग में कहा कि यह विश्व भर में जो बाकी और दूसरे देश हैं उसकी तुलना में हमारे यहाँ ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक है, हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में जो मृत्यु दर इस बीमारी की वजह से है वो न्यूनतम स्तर पर है, 1-2% के बीच में है, जबकि कई विकसित यूरोपीय देश जो है वहां पर यह मृत्यु दर जो है 5% से लेकर के 10% तक भी रही है। हम लोगों ने शुरुआती दौर में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इस बीमारी के लिए तैयारी करने का, इससे लड़ने का और इसके लिए तमाम सारे जो उपाय हमें जुटाने थे उसका हमें मौका मिल गया और जिसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी है वो विश्व भर में न्यूनतम स्तर पर है। ये दो मोटी मोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। और जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि जब तक हम माने नहीं तब तक हार हमारी होगी नहीं, तो हम सबों को मन से ये मानना है कि जो कोई भी बची कुची समस्या है, जो कोई भी थोड़ी बहुत समस्या है, उस समस्या का मिलजुल करके एक साथ मिल करके अगर हम सामना करेंगे तो जरूर हम लोग जल्द से जल्द इस समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे। और डॉक्टर पीयूष, इस समय जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है देश का सर्वोच्च संस्थान है और बहुत सारे आप पेशेंट्स इस समय देख रहे होंगे, क्योंकि इस समय जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनके अंदर दो तरीके का, कुछ लोग ऐसे हैं जो भय के कारण सामने नहीं आना चाहते और उनके अंदर एक कुछ सामाजिक कारण भी है, कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी है। आप किस तरह का एक परिवर्तन देखते हैं और इसका जो साइको सोशल इम्पैक्ट है वो किस तरह का है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सिद्धार्थ जी।
देखिए, हम लोग लगभग मार्च के महीने में यह महामारी जो है हमारे देश में पहली बार जो है, हालांकि कुछ महीने पहले आया था, लेकिन मार्च के समय में यह लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई जी। तो बिल्कुल शुरुआती दौर में कोई भी इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था। यह बीमारी या वायरस हमारे शरीर में आएगा तो किस तरह से हमारा शरीर बिहेव करेगा क्या हम, और बहुत तरह की आशंकाएं लोगों के मन में थी, लोगों के साथ साथ चिकित्सकों के मन में भी बहुत सारी आशंकाएं थी। लेकिन धीरे धीरे आशंकाओं का दौर अब समाप्त हो चुका है। अब चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और कुछ हद तक लोग भी, आम जनमानस भी इस बीमारी के प्रति जो है अब उतना ज्यादा डरा हुआ या भयभीत नहीं है जी। उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि 4A हम लोग कहते हैं जी, एक्सेप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट एंड एक्ट, यानी पहले समस्या को जानिए, स्वीकार कीजिए, अपने अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए, कुछ परिवर्तन लाइए और उसके बाद क्रियान्वयन कीजिए जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है। तो हम लोग अब चौथे दौर पर हैं, यानी कि एक्ट करने के दौर पर हैं। तो सबसे पहली बात कि जो मन में आशंका थी, डर था, भय था, वो कुछ हद तक जरूर कम हुआ है। लेकिन जो इसके साथ साथ जो आपने साइको सोशियो बिहेवियरल इम्पैक्ट की बात की जी, तो जो एक बड़ी समस्या मैं अपने तौर पर अपनी नजर से देखता हूं वह यह है कि अभी भी जो इन्फेक्टेड केस हैं उसे कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज कर दे रहे हैं जी। जो कोरोना से जो ग्रसित मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, वो अन्य मरीजों की तरह है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। यह समाज के बाकी लोगों का दायित्व तो है कि उनके अंदर एक हौसला दें, एक विश्वास दें कि जिस तरह से बाकी और जो इन्फेक्टिव इलनेस है उससे लड़ने में समाज के, परिवार के, पास पड़ोसी, दूसरे लोग होते हैं, वो सभी मिलकर के हौसला बढ़ाते हैं, उसका साथ देते हैं, उसी तरह से इस बीमारी में भी सभी लोग उस संक्रमित व्यक्ति के साथ बराबर खड़े हैं, ताकि वह व्यक्ति खुद को स्टिग्मेटाइज महसूस नहीं करे, अपनी बीमारी को छुपाए नहीं। क्योंकि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 80% ऐसे लोग होते हैं जिसमें ये मामूली सर्दी, खांसी, हल्की बुखार और फ्लू जैसे सिम्टम के साथ आते हैं जी। तो उन्हें कोई विशेष तौर पे अस्पताल पे भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। और चूंकि स्टिग्मा के कारण एक तरह से जो लोग उन्हें एक तरह से वो टैबू जो ये लोग उन्हें एक तरह से वो सिंगल आउट कर देंगे, इस डर से लोग जो है खुद आगे नहीं आते हैं, अपना इलाज और जांच कर नहीं कराते हैं और वो अपने आप को आइसोलेट नहीं रखते हैं। तो यह मेरे आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों को अपील होगी कि वो अपने पास पड़ोसी वाले लोग जो हैं उनको यह विश्वास दें, भरोसा दें कि अगर खुदा न खास्ते अगर किसी भी तरह से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो सभी पास पड़ोस के लोग, समाज के दूसरे लोग बराबर खड़े हुए हैं और वो अपनी बीमारी को किसी भी तरह से छुपाए नहीं। बिल्कुल। और इसपे जिस तरह से आपने साइको सोशियो बिहेवियर इम्पैक्ट की बात की डॉक्टर पीयूष, और जैसा कि हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी देखा कि जब भी कोई मरीज कोरोना को पे विजय प्राप्त करके जब अस्पताल से जाता है तो उस समय जिस तरीके से आपके सहयोगी चिकित्साकर्मी उनकी हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देते हैं, उनको जिस तरह का संदेश देते दिखाई देते हैं, वो शायद एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इसके पहले कभी भी मेडिकल की हिस्ट्री में इस तरह से किसी मरीज जब वो ठीक हो जाता है उस तरह की उसकी विदाई जो है वो पहले कभी नहीं देखी गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, यह एक पैंडेमिक है और हम सब चिकित्सा विज्ञान में ऐसा कहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन काल में इतना बड़ा पैंडेमिक देखते हैं जी। इतना बड़ा पैंडेमिक इसके पहले 1918 में जो स्पेनिश फ्लू था वैसा आया था, इसके पहले H1N1 स्वाइन फ्लू का भी पैंडेमिक आया था, लेकिन उसमें जो वायरल इलनेस थी उसका ड्यूरेशन शॉर्ट था, उतना ज्यादा वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व नहीं करता था, मॉर्टिलिटी कम थी, इस वजह से जो है वो उस पर उतना ज्यादा जो है वो परेशानी का वजह नहीं बन पाया। अभी के समय में जो लोग जो हम लोग ये करते हैं, खासकर जो एम्स के, और मैं अपने तमाम जो देशभर के दूसरे चिकित्सक जो मित्रगण हैं हमारे, जो स्वास्थ्यकर्मी बंधु हैं हमारे, वो सब अब उनके मन से जो भय है वो जाता रहा है और अब वो लोग जो है मरीज को देख करके खुद भी भयभीत न होते हैं न करते हैं जी। हम सभी अपने मरीज को यही कहते हैं, ठीक है, जैसे एक अगर संक्रमण हो गया है, एक अगर छोटी सी बीमारी हो गई है, एक बीमारी हो गई है, तो हम आपके साथ बराबर खड़े हैं,
और चिकित्सा विज्ञान ने जो पिछले 4-5-6 महीने में इस बीमारी से लड़ने के जो तरीके ढूंढे हैं, उन तरीकों के माध्यम से लगभग 98% 99% हम लोग आपको ठीक कर पाएंगे। तो यह एक बड़ा परिवर्तन देखा है। और रही बात आपने जो साइको सोशियो बिहेवियरल इम्पैक्ट की बात की, तो अब हम लोग इन्फेक्शन के दौर से आगे बढ़ चुके हैं। यानी यह इलनेस जो एक फिजिकल इलनेस और फिजिकल डिस्कम्फर्ट मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी जो करता था जी, उसके साथ साथ जो दूसरे पहलू हैं उन पर भी हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। यानी इस बीमारी के जो दूरगामी प्रभाव जो कि जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जो सोशल और बिहेवियरल प्रभाव पड़ा है उन पर भी हम लोगों ने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, उनके बारे में भी विचार विमर्श करना और उससे किस तरह से लड़ा जाए, उससे किस तरह से उस पर विजय पाया जाए, ऐसी भी कोशिश और ऐसे भी प्रयास शुरू हो चुके हैं जी। और डॉक्टर पीयूष, आप हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, और सबसे पहले हम रुख करते हैं श्री गंगानगर का, जहां से साहब राम बिश्नोई हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। साहब राम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नमस्कार जी नमस्कार। हाँ मैं साहब राम बिश्नोई बोल रहा हूँ जी, चादर शहर राजस्थान से जी। जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि जी जैसे हमने अब 70% कवरेज कर लिया है, रिकवरी हो गई जी। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, 75% रिकवरी हो गई जी, और 25% जो मरीज है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं जी। जी तो पीछे मतलब जो कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं उनके उन आंकड़ों का क्या हिसाब किताब होगा जी। जी देखिए विष्णुई जी, जैसा आपने ये बात बताई कि जो 75% जो ये एक संख्या है वो कुल मरीजों के में से 75% मरीज ठीक हो चुके हैं और 25% मरीज अभी भी एक्टिव हैं, और इसमें लेकिन इस पूल में नए मरीज जुड़ते रहते हैं और जो इस पूल से जो मरीज ठीक होकर के जाते रहते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने के योग्य है कि जो नए मरीज हैं जो कि इस पूल में जुड़ते जा रहे हैं, हम लोग उससे उनसे जो है प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर यानी बचाव के सारे उपाय जो हैं उन पर अगर हम लोग सख्ती से अमल करें तो नए मरीज के जुड़ने की संख्या जो है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी और यह महामारी जो है जो कि एपिडेमियोलॉजी के अलग अलग चरण की तरह होती है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये जल्दी खत्म हो जाएगा अगर इस पूल में हम नए मरीज को न जोड़ें। और डॉक्टर पीयूष, क्या आपको लगता है कि जो कोरोना का पीक है वो हमारे देश में आ चुका है या अभी आना बाकी है? देखिए अलग अलग देश में जो अलग अलग भाग है उसमें हम लोग अलग अलग स्टेज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल जो पीक होता है उसमें है। दिल्ली में डेफिनेटली यह पीक जो है वो कम हो गया है, ठीक है, नए केस जो जुड़ रहे हैं वो कम हो गए हैं, केरल हो गया और जो कुछ और दक्षिण के राज्य हो गए वहां पर ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने की कगार पर है। केरल एक उदाहरण है जहां सबसे पहले केस देखे गए थे देश भर में लेकिन जो दूसरे तरीके जो थे उसके अनुसार ये बचाव के जो दूसरे तरीके हैं उनका पालन करते हुए इस महामारी पर उस राज्य में कम से कम जरूर कंट्रोल कर लिया गया। दिल्ली में जो पीक था पीक से हम लोग ढलान के इस पे की ओर हैं लेकिन कुछ और राज्य हैं जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हो गए, वहां पर अभी धीरे धीरे पीक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जो दूसरे और नए राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं इन सभी राज्यों में अभी तक यह बीमारी जो है वो शुरू भी नहीं हुई, तो देश के बाकी भाग जो राज्य हैं जहां पर के लिए और बाकी जगह के लोगों के लिए यह एक मौका है कि वो उन भाग से जहां पर कि यह बीमारी पहले आ चुकी है और सफलतापूर्वक हम लोग उसका सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं से सीख लें कि किस प्रकार प्रोटेक्टिव मेजर्स यानी कि बचाव के जो सारे उपाय हैं जो कि आपके अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो आपके जीवन शैली से रिलेटेड है उनका पालन करते हुए किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है जी। और डॉक्टर पीयूष, अब हम रुख करते हैं राजस्थान के बाद बिहार का, जहां से हमारे साथ मधुबनी से जुड़ चुके हैं बच्चा बाबू। हेलो बच्चा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
10 तारीख को रिलेटिव आया था, तो आप परिवार में मिलजुल के रह सकते हैं पूरा परिवार में? जी 10 अगस्त को 10 तारीख को निगेटिव आया था, हम जांच कराए थे, हमको कोरोना पॉजिटिव था जी, तो 10 तारीख को निगेटिव आया था, तो अब हम परिवार में मिलजुल के रह सकते हैं जी। डॉक्टर पीयूष जी हाँ, इनका सवाल ये है जी, हम एक और श्रोताओं के लिए भी पूछ लेते हैं आपसे कि अगर किसी व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव आया था और उसके बाद अगर निगेटिव टेस्ट आ जाता है, पॉजिटिव आने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो कितने दिनों के बाद वो अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रह सकता है परिवार के बीच में? एक बार अगर आप निगेटिव आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप परिवार के बाकी सदस्यों के साथ आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन यहाँ यह बात मैं बहुत जोर देकर के यह बात समझाना चाहूंगा कि अभी के समय में जो समाज और परिवार के बाकी लोगों के साथ जो 3 विशेष बचाव के नियम है, यानी कि सामाजिक दूरी, घर के सदस्य भी जो विशेष तौर पर जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, उनसे भी जहां तक संभव हो आप चेहरे के उनके पास नहीं आए और बीच में 2 फीट की दूरी बनाए रखें। चाहे आप आज पॉजिटिव होकर निगेटिव हो गए हों या वो सारे श्रोतागण भी जो कि वो पॉजिटिव नहीं हुए हैं, तो उनसे भी वो सामाजिक दूरी घर के अंदर और जो आप कार्यस्थल पर जब जाएं और बाकी जगहों पर भी जाएं तो आप सामाजिक दूरी यानी कम से कम आप जो है वो 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप बाहर जाएं तो आप मास्क पहन करके रखें। एंड नंबर 3, जो कफ हाइजीन होता है, यानी कि छींकते समय खांसते समय अपने चेहरे को और अपने नाक को जो है आप ढक करके रखें और बराबर हाथ धोते रहें। इन सभी चीजों का पालन आपको हमेशा करते रहना है, चाहे आप पॉजिटिव हों, पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव हों, या आप कभी पॉजिटिव नहीं हुए हों। और डॉक्टर पीयूष, जैसा कि इन्होंने कहा कि 10 तारीख 10 अगस्त को इनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, तो ये कितने समय के बाद ये अपने परिवार से मिल सकते हैं, उनके बीच में रह सकते हैं? जी देखिए, इसमें जो है एक बार निगेटिव आने के बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं, सबसे पहली ये बात हो गई। जो दिन की बात हो गई जी, जब हम लोग यह बात बताते हैं इसमें 3, 7, और 17 का रूल है जी, यानी कि एक बार जब आप लास्टली सिम्टोमेटिक हुए थे, अभी जो ये भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार एक बार ठीक होने के बाद आपको रीटेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है जी, ठीक है, यानी लास्ट आपका जब सिम्टम हुआ उसके 7 दिन के बाद आपका अस्पताल से बगैर टेस्ट कराए हुए डिस्चार्ज किया जा सकता है, पहली ये बात जी। 3 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसके 7 दिन तक आप आइसोलेशन में रह सकते हैं और 10 दिन के बाद आप नॉर्मल काम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया 3, 7, और 10 का रूल जी। और अब हम रुक करेंगे महाराष्ट्र में ठाणे का, जहां से हमारे साथ गुरुनाथ जी जुड़ चुके हैं। हेलो गुरुनाथ जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। सर ये जो वायरस है जो जहाँ से चाइना से चालू हुआ युआन प्रांत से, सर उन्होंने ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाया कि वो पूरे देश में तो नहीं फैलने दिया और उनका जो मृत्यु दर वो भी कम है और संक्रमित लोगों का भी दर कम है? सर ऐसे मतलब वहाँ के लोग ज्यादा अवेयर हो गए क्या, क्या अब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हैं इसलिए? जी यहाँ पे डॉक्टर पीयूष ये जानना चाह रहे हैं कि चाइना जहां से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ है वहां पे इसका जो इम्पैक्ट है धीरे धीरे कम हो गया, वहां पे ठीक होने की दर भी बहुत अच्छी है और ज्यादा ये फैलाव इसका हुआ नहीं, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में कंपैरेटिवली ये बहुत तेजी से फैल रहा है। जी देखिए गुरुनाथ जी, जैसा आपने कहा कि इस बीमारी के लिए जो बचाव ही सबसे सबसे कारगर उपाय है और बचाव के लिए आत्मसंयम और सामाजिक डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा मैंने अभी कार्यक्रम के बीच में भी अभी एक बात बताया कि जो 3-4 बचाव के माध्यम जो उपाय हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाए तो इसकी संख्या जो है बहुत ज्यादा बहुत तेजी से कम हो सकती है और जल्दी से जल्दी हम लोग इस महामारी में काबू पा सकते हैं। आपने बिल्कुल सच कहा कि चाइना में यह बीमारी सबसे पहले फैली और विश्व के दूसरे देशों में विशेष तौर पर जो है वो यूरोपीय देशों में अमेरिका में ये फैल गया बहुत तेजी के साथ और चाइना ने इसे कंट्रोल कर लिया। हमारे लिए भी ये संतोष की बात है कि हमने इस देश में बीमारी को आने में रोका और हमारे देश में भी जो बीमारी की जो इस बीमारी की स्थिति उतनी ज्यादा भयावह चाहे वो मृत्यु दर को लेकर के है या दूसरे और जो मॉर्बिडिटी को लेकर के है जो दूसरे पाश्चात्य देश हैं
उसकी तुलना में काफी कम है। और आपके माध्यम से मैं देश भर के जो हमारे श्रोतागण है उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो अपने अंदर संयम और डिसिप्लिन को, अनुशासन को वो पालन करें, तो हम लोग भी बहुत जल्द इस बीमारी पर काबू पा पाएंगे। और डॉक्टर पीयूष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसा कि आप बार बार जोर दे रहे हैं कि जिस तरह के जो जिसे हम गोल्डन रूल्स कह सकते हैं कोरोना के लिए कि आप मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अपने कार्यस्थल पर और बहुत सारे बाजारों में लोग अभी भी मास्क पुलिस के डर से लिए रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका चालान ना हो जाए तो उसको वो चेहरे के नीचे रखे हुए होते हैं, कोई देखता है या टोकता है तभी वो लगाते हैं। तो क्या बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे इसमें घुटन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अपने तरह तरह के वो तर्क देते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि देखिए, जो हमारे अपने अस्पताल के अंदर में जो हम लोगों जो कोरोना वार्ड है हमारा जी, आप लोग सिर्फ एक मास्क पहनते हैं, लेकिन जो कंप्लीट जो लेवल 3 प्रोटेक्टिव डिवाइस है जिसको पहन करके हमारे जो डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी मरीजों के पास जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं जी, उसमें सर से पैर तक पूरी तरह से ये ढका रहता है। और 4 से 6 घंटे तक की जो एक शिफ्ट होती है, कई बार ये शिफ्ट जो 6 से 8 घंटे या कुछ जगहों पर 12 घंटे तक होती है, इस दौरान वो लोग शौच करने भी नहीं जा सकते हैं जी। तो आप उनकी समस्या का अनुमान लगाइए, मतलब ये जब जून जुलाई की गर्मी थी तो उसमें शरीर बिल्कुल तर बतर होकर के रहता था, सांस ऐसी रहती थी, जो घुटन जो महसूस होती, डेफिनेटली ये घुटन महसूस होती है, लेकिन फिर भी इसे कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से आपके स्वास्थ्य कर्मी और बाकी लोग लगे हुए हैं, आपको भी ये अपनी तरफ से ये जरूर ये थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यह बीमारी हम लोग सामाजिक अनुशासन से और समाज के तमाम लोगों के समग्र प्रयास से ही हम लोग इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, जो मास्क लगाने की वजह से जो थोड़ा सा घुटन होता है वो बहुत छोटी सी कीमत है जो कि लोगों को चुकानी है इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए। आपने जिस तरीके से इस बात को कही है, मुझे लगता है कि हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं बाजार में, गाड़ियों में या जहां पे देश के पूरे हिस्से में, उनको जरूर ये संदेश मिला होगा कि अगर हम मास्क लगाते हैं थोड़ी तकलीफ हमें जरूर होती है, लेकिन वो मास्क हमारी जिंदगी बचाता है, वो मास्क हमारा दोस्त है। अगर हम उसको एक तकलीफ के रूप में देखेंगे कि इससे हमें परेशानी होती तो निश्चित तौर पर परेशानी होगी, लेकिन अगर हम उसे मित्र के तौर पर देखेंगे, जीवन को बचाने वाले के तौर पर देखेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें उसको पहनने में उससे कोई परेशानी शायद नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, यह हमारे मित्र के साथ साथ ये हमारे लिए एक संजीवनी की तरह है, और यही एक उपाय है जिसके माध्यम से हम इस महामारी पर जल्द से जल्द काबू पा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम रुख करते हैं सिरसा हरियाणा का, जहां से हमारे साथ पप्पू राम जी जुड़ चुके हैं। हेलो पप्पू जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे यह पूछना था जी, बताइए, जो ये ठीक हो रहे हैं एक दिन में 67-68 जा रहे हैं जी मरीज, तो डॉक्टर साहब ये कोरोना हो जाती है कितने दिनों में ठीक हो जाता है सर जी? जी डॉक्टर पीयूष, एक बहुत सवाल आता है आम लोगों का कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो कितने दिन लग जाते हैं उसको पूरी तरह से स्वस्थ होने में? जी बिल्कुल, ये आम लोगों का ये सवाल है। देखिए, 80% जो ऐसे लोग होते हैं उनमें यह बीमारी प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक या मामूली सिम्टम के साथ होता है। इस 80% में भी जो 50-60% होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है, जैसे गले में हल्का दर्द हुआ, आप दिन भर के काम करते हुए निकल गए, आपको पता भी नहीं चला ये ठीक होकर के चला गया। सबसे पहली ये बात। जो कुछ और लोग हुए, जो कि 20-25% लोग हुए, उसमें 2-3 दिनों में मामूली हल्की बुखार, हल्की सर्दी खांसी के साथ ये ठीक हो गया जी। कुछ और लोग हुए, उसमें 5-7 दिन का समय लगता था, जिसमें कि वो 10% लोगों में जो ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। जो बिल्कुल इस पूरे जो टोटल संक्रमित लोग हैं उसमें सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिन्हें ऑक्सीजन या दूसरे और जो एडवांस जो ट्रीटमेंट है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसे लोग जो है 2-3 हफ्ते के बीच में, जो दो हफ्ते या 3 हफ्ते तक में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और एक बार जी बताइए जी, और एक बार ठीक होने के बाद जो मैंने 3-7 और 10 का रूल बताया उसके अनुसार वो आप समाज में वापस जा सकते हैं।
तो जो जो नंबर ऑफ डेज का जो लगने का है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग है, या एक दिन से लेकर के 3-4 हफ्ते तक का हो सकता है। जी, और डॉक्टर पीयूष देश के अलग अलग हिस्सों से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अब हम रुक करते हैं उड़ीसा का, जहां से हमारे साथ गोकुल जी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गोकुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। आपको नमस्कार, डॉक्टर जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये जो मास्क हम लोग लगाते हैं जी, वो जनरली हमारा मुंह और नाक को ये प्रोटेक्ट करता है। जी जी जी, लेकिन तीन रास्ता है किसी को संक्रमित होने का, मुंह है, नाक है और आंख है। जी, तो हम जनरली वो आंख के बारे में नहीं बताते हैं। जी, तो अगर हम लोग स्पेक्ट का ये यूज करें तो टू सम एक्सटेंड इट विल बी प्रोटेक्टेड आई थिंक। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जी डॉक्टर पीयूष, एक बार सवाल को दोहरा लेते हैं कि हमारे जो भी लोग कोरोना से, जैसे तीन रास्ते से प्रोटेक्शन चाहिए, मुंह से, नाक से और आंख से, तो आंख के जरिए कोरोना के फैलने की कितनी संभावना होती है और हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, जो मूल तौर पर जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, जो कि समाज में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें वो मुख और जो नासिका है उसके द्वार से, क्योंकि ये एक तरह से ड्रॉपलेट और एयरबोर्न इन्फेक्शन है। जो आंख से रिलेटेड जो है वो हम लोग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए करते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिव आई शील्ड और प्रोटेक्टिव जो स्क्रीन होता है वो लगाते हैं। लेकिन जो कॉमन लोगों के लिए यह इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो आई शील्ड और वो फेस शील्ड या ये वो लगा करके चले। जी, और इस बीच हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरके वासन जी। वासन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, आप दोनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं जानना चाहता हूँ कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जो मास्क लगाते हैं उसको वो अपना नीचे कर लेते हैं मुंह से, तो क्यों ना इनको जो है हैंडलूम के या कॉटन के जो है सूती मास्क लगाने की सलाह दी जाए। जी डॉक्टर पीयूष, बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी हमने पहले भी चर्चा की, कि मास्क नहीं लगा रहे हैं और इसके लिए पुलिस चालान भी करती है और उनको मास्क देती भी है, तो कौन सा ऐसा मास्क है जिससे लोग आसानी से उसे लगा सकते हैं, उसे धो सकते हैं और उससे उन्हें थोड़ी परेशानी कम होगी? जी, इसमें मैं बहुत संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि इसमें जो ट्रिपल लेयर मास्क है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। सूती में भी जो एक जो हैंडलूम वाले जो होते हैं जिसमें कि वो कम छिद्रदार वाले हों, जो स्टैंडर्डाइज मास्क हो वही प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो है एक फॉल्स एश्योरेंस देंगे, जिसकी वजह से बीमारी का कंट्रोल होना में मुश्किल रहेगा। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि वो मास्क पहनने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और अनुशासन रखें, अपने लिए भी और समाज के बाकी लोगों के लिए। बिल्कुल, अब श्रोताओं समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पीयूष, आप क्या 2-3 बातें हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? देखिए, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, अनुशासित रहना है और मिलजुल करके इस बीमारी को कंट्रोल करना है। कहते हैं ना, टुगेदर वी कैन, तो हम सबों को साथ मिलकर के इस बीमारी पर कंट्रोल करना है। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, टुगेदर वी कैन, इसी मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपके माध्यम से देशभर के लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, चलते चलते श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।